अब घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। अब घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। तो बिस्वानी क्लासेस में मैं अनिल बिस्वानी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सुबह के बज रहे हैं 7 और आप हैं मेरे साथ वोकैबुलरी के इस 18वें सेशन में। नॉर्मन लेविस की ये क्लास चलती है, नॉर्मन लेविस की वोकैबुलरी बिल्डर हम लोग पढ़ रहे हैं और 18वें सेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। शायद ये 25वीं क्लास होगी और ये सेशन 18वां है क्योंकि एक सेशन में एक से ज्यादा क्लासेस लग जाना जाहिर सी बात है क्योंकि आपको समझाना रहता है चीजों को। तो अभी ये लेसन जो होने वाला है ये किस तरह से होने वाला, अभी तक जितनी भी वोकैबुलरी आपने पढ़ी है उसका बेहतरीन तरीके से टेस्ट लेने वाले हैं नॉर्मन लेविस साहब। कह रहे हैं हाउ टू क्रैक योर प्रोग्रेस, हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस, हाउ हैव यू प्रोग्रेस्ड, कैसे किया है आपने। और अब देंगे आप कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है ये, समझदारी का टेस्ट है। आपको चीजें जो समझाई गई हैं अब तक वो कैसी समझ में आई हैं इस बात का ये टेस्ट है। और आपको मेरी आवाज और चित्र बढ़िया सा मिल रहा है, सबकी गुड मॉर्निंग आई हुई है। रामू कुमार, प्रमोद चक्रवर्ती, कविता, प्रतिभा, चंदा, अंशु, धर्म, कैरियर, अरे भैया हमारे बिजलाल सर और बहुत सारे लोग, नुसरत बानो, गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आपका टेस्ट। ये बताया जा रहा है कि इफ यू हैव वर्कड डिलिजेंटली, यदि आप मेहनत से काम किए हैं दस फॉर अभी तक, तो यू हैव बिकम अक्वाइंटेड, आप परिचित हो चुके हैं और परहैप्स रीअक्वाइंटेड या दोबारा परिचित हुए हैं पहले से जानते हुए वर्ड्स को विद अप्रोक्सीमेटली 300 to 350 वर्ड्स आप तक आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेसिव वर्ड्स जो आपके एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। लर्नड स्कोर ऑफ इंपॉर्टेंट लैटिन एंड ग्रीक प्रीफिक्सेस, रूट्स एंड सफिक्सेस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। सेट अप वैल्यूएबल हैबिट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आपको अपने अंदर एक हैबिट, एक आदत, एक अनुशासन लाना होगा। ये कह रहे हैं इन चीजों को, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के बाद उनको संजो के रखने का काम आपका है, अपने दिमाग में टीजर करने का काम आपका है। तो आपको इन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, डिसिप्लिन के साथ इनको लर्न करना होगा। एक्सप्लोर्ड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रामर एंड करंट यूजेस मीन व्हाइल इरेजिंग एनी कंफ्यूजन यू मे वंस हैव लेफ्ट, वंस हैव फेल्ट अबाउट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ
करेक्टनेस इन योर वर्ड्स। आपने महसूस किया होगा कि अब जब ग्रामर का यूज करके आप शब्दों का चयन करके किसी से सेंटेंस या इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप अपने शब्दों में, अपने प्रोनंसिएशन में, अपने यूसेज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर महसूस कर रहे होंगे, ऐसा उनका मानना है। और देखते हैं कि आप लोग टेस्ट में कितना खरे उतरते हैं। एंड फाइनली टेकन गुड लॉन्ग स्टेप्स टुवर्ड्स योर अल्टीमेट गोल, नेमली द डेवलपमेंट ऑफ अ बेटर, रिचर एंड एक्सप्रेसिव and expressive in short superior vocabulary, बेहतरीन words आप जान पाए हैं बड़े शब्दों का प्रयोग करने के बजाय छोटे छोटे शब्दों के जरिए अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का तरीका आपने जान लिया है, वह vocabulary आपने सीख ली है जिसकी आपको बहुत जरूरत थी। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके शब्द और प्लस बिस्वानी सर की ग्रामर, यही काफी है आपको मजबूत करने के लिए आपकी लैंग्वेज। तो vocabulary आप यहां से बिल्ड कर रहे हैं, ग्रामर में जितनी जानता हूं थोड़ी बहुत वो पढ़ा पा रहा हूं, आपको सिखा पा रहा हूं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, मैं बहुत आह्लादित होता हूं अंदर से, आखिर ऐसा मैं क्या कर रहा हूं मैं नहीं जानता, बस इसको और बेहतर करता जाऊंगा मैं, जो भी मैं कर रहा हूं जैसा भी मैं कर पा रहा हूं उसको और बेहतर करना है। और चलते हैं आपको जो सिखाया है उसके टेस्ट की बारी, लेकिन वो कहे अभी क्या रहे ये भी देख ले। हियर इज योर चांस बोथ टू रिव्यू एंड टू चेक योर लर्निंग, आपने सीखा क्या है इसको चेक करने का समय है। बियर इन माइंड, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, दैट विदाउट केयरफुल एंड पीरियोडिक रिव्यू, रिविजन सबसे ज्यादा जरूरी। मान लीजिए कभी क्लास नहीं हुई किसी दिन, तो आप अपने काम को, जब मेरी क्लास नहीं होती है तो मैं आपके लिए आगे आने वाली क्लासेस में प्लानिंग करता हूं, नोट्स तैयार करता हूं, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद पूरी तरह से ईमानदारी से स्कूल में एक भी क्षण मैं अपने कोचिंग क्लास के लिए नहीं यूज करता, बिल्कुल मैं कह सकता हूं। इंटरवल्स में भले ही मैं एक दो कॉल्स रिसीव करूं, बाकी सारे मैसेजेस जो सबके जवाब में जब यहां पहुंचता हूं तभी मोबाइल खोलता हूं, बीच में एक आध फोन कॉल्स के अलावा कभी कोई काम नहीं करता, आप ये जानते हैं इस बात को। तो ये बात दिमाग में रखना है कि आपको बहुत ही अनुशासित होकर के रिव्यू करते रहना है हर चीज को। जब भी मेरी क्लास ना हो या आपको समय मिल जाए, आप पुरानी क्लासेस को रिव्यू करिए और देखिए कि आपने अभी तक पढ़ा क्या है। मेथड्स ऑफ स्कोरिंग योर अचीवमेंट्स ऑन द टेस्ट, इस पर मेथड क्या काम करेगा आपके टेस्ट को अचीव करने में। एंड द मीनिंग ऑफ योर रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकलेगा इस टेस्ट के अंत में, विल बी एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के अंत में एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपने क्या स्कोर किया है और कितना आप में अचीवमेंट आया है। तो करना आपको क्या है, आपको करना यह है कि अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने पास लिखते रहिए कि आपने कितने गलत दिए हैं और कितने सही दिए हैं। कहीं 100 में 90 मिल गए आपको तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल मैं सफल समझूंगा अपनी इस तपस्या को। सुबह 7 बजे उठ करके आपके साथ इस तरह लग जाने की तपस्या को मैं सफल समझूंगा। ये बिस्वानी सर का बैच है जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी तीनों का कॉम्बो बैच चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस चलती हैं डेली, बिना अनइंटरप्टेड क्लासेस मिलती हैं आपको। पीडीएफ मिलता है क्लास के पहले, आपको पीडीएफ मिल जाता है, नोट्स मिलते हैं। टेंस के पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि उसके कुछ फॉन्ट्स गड़बड़ थे हिंदी के, तो उसको मैंने फिर से भेजा है रिवाइज करने के लिए, वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। और टेंस तो मैं अभी शुरू किया हूं पढ़ाना, तीसरी तो क्लास हुई है अभी, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है। मॉक टेस्ट बस शुरू होने ही वाले हैं, मुझे एक बहुत शानदार टाइपिस्ट की जरूरत है जो यहाँ ऑफलाइन में मेरे साथ रहकर काम करे, उसके मिलते ही टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे, काम मटेरियल सब तैयार है। मेरा कहना यह है कि कम से कम 5 महीने का 4 महीने का समय आप हमको देंगे तो हम आपको तैयार कर पाएंगे। आपको सिर्फ तैयारी नहीं करवाते हैं, हम तैयार करते हैं पूरी तरह से उस एग्जाम को टैकल करने के लिए जो आपको समाज में प्रतिष्ठित करता है, स्थापित करता है, आपकी इज्जत मान मर्यादा बनाता है। इसलिए इसके लिए कुछ तो खोना होगा, चैन, रातों की नींद और दिन का चैन, सुकून, संघर्ष, सब सब कुछ यही करना है। जितना संघर्ष बढ़ाओगे ना मजा उतना ही आएगा, बस इतना ही कहना है। और ये टेस्ट का पहला पेज आपके सामने है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। टेस्ट है ये आपके सामने, अपनी कॉपी निकालिए, आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हो, मैं जानता हूं आप किस पोजीशन में बैठे होंगे, अगर महिलाएं हैं तो किचन में रखे होंगे, हम बज रहे होंगे वहां पर, वो अपना टिफिन पैक कर रही होंगी बच्चों का, हस्बैंड का और सास ससुर का नाश्ता बना रही होंगी, उनके पास समस्या है। लेकिन जो नालायक हमारे अभी रजाई में बैठे हैं,
वो रजिए में खींच के ले लो पेन एक और रजिस्टर, और इनके उत्तर खुद से दो ईमानदारी से, लास्ट में हम चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे इस लेसन के बाद। हालांकि हम डिस्कशन करते चलेंगे, लेकिन आप पहले मिला लो, फिर हम डिस्कशन में जो आंसर्स निकलेंगे ना उनसे मैच करना, और हर चैप्टर का अलग अलग स्कोर लेकर चलना, लास्ट में मुझे स्कोर बताना प्लीज, नहीं तो सोच लेना फिर एक बार गुस्सा आई तो सब रजिस्टर उठा भागोगे अभी उठाने के लिए। लाठी लेके चलता हूं मैं क्लास में। चलो, ईगो मिसिन गैमोस गाइन डर्मा देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, यहां मीनिंग देनी है इनकी। आप अपनी कॉपी पे मीनिंग दे रहे हैं, बुक है आपके पास खुली रखी कि नहीं नॉर्मल लेविस की, उसमें आप इनको भरिए बिना कहीं ताक झांक किए, इधर उधर पीछे नहीं मुड़ के देखना है, बिल्कुल वहीं पर। आपका कोई बच्चा या कोई घर का सदस्य खाली है तो उसको बिठा लो एग्जामिनर की तरह, वो इनविजिलेटर की तरह वहां बैठे और आप काम करिए। ऐसे अपने बच्चों को भी शामिल करिए इसमें, 6-7-8 में 4-5 में पढ़ते हैं वो, तो उनको इस गेम में शामिल करिए, ये गेम है और ये मजा देगा आपको, लाइफ को आपकी चेंज करके रख देगा, बिल्कुल बदल देगा। चलो, ये सब मेरे ख्याल से आप जानते हो ना, सब आप जानते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईगो आप जानते हो, इगोइज्म है ये, इसका मतलब क्या है, आई आई आई। मिसिन, मिसिन का मतलब जैसे मिसैंथ्रोप में है, इसका मतलब क्या है, हेट हेट हेट। गैमोस, गैमोस जैसे बिगेमी, गैम का मतलब क्या है, शादी शादी शादी, पहले नौकरी नौकरी फिर शादी। गाइन, गाइन का मतलब क्या है, आप जानते हो, पूरा ट्री मैंने बना के बताया था, एंथ्र एंडर गाइन पेड गैम, गैम देन पेड, पूरा समझा चुका हूं आपको। डर्मा, आप जानते हैं स्किन से रिलेटेड चीजों को हम डर्मा, स्किन का रूट वर्ड है, बहुत बढ़िया। चलें अगला, ऑर्थोस, ऑर्थोडोंसिया जैसे ऊपर लिखा है तो ऑर्थोस 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 किससे रिलेटेड है, फटाफट देखिए, अपने पहले मिला लीजिए फिर मैं बताऊंगा, पहले अपने मिला लीजिए, हाँ पहले अपने मिलाइए, पहले अपने मिलाइए फटाफट, अपने मिलाइए फटाफट फटाफट मिलाइए, बुक रखिए पेंसिल से फट से मिलाइए, 2 सेकंड का समय है, 2 सेकंड में क्या होता है, 2 मिनट का समय, केवल 2 मिनट। मैं आपकी चैट इधर खोल लेता हूं। हाँ, कमेंट वमेंट से कोनो मतलब ज्यादा हमको नहीं है, फटाफट आप काम करिए इसको, फटाफट काम करिए। बहुत गजब का टेस्ट है ये। हाँ, चलो 6, अब मैं बता देता हूं। हाँ, 6 का मतलब क्या है, स्टेट, करेक्ट, बिल्कुल। 6 में ऑर्थोस है, ऑर्थोस का मतलब क्या है, स्टेट, सीधा स्टेट है ना, बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, हाँ बिल्कुल। और साइकी, साइकी का मतलब क्या है, साइकी दिमाग से रिलेटेड होता है, साइकोलॉजिकल, साइको है ना, कितने सारे वर्ड्स आप साइकी से सीख चुके हैं, साइको, जिसका साइकोटिक यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसको धीमा कर दूं थोड़ा, समझ रहे हैं बाबू। अब आ जाओ, न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन किससे रिलेटेड है, माइंड से, क्या सोल से, क्या स्पिरिट से, नहीं, ये तो नर्वस सिस्टम की बात करता है, ये तो नर्व से रिलेटेड है, और ये क्या है, लॉगोस, स्टडी है, साइंस है, स्पीच है, कितना कुछ जानते हैं आप, बायोलॉजी जैसे बनता है, बायोस से और लॉगस को, बायोस और लॉगस को मिलाकर बनता है बायोलॉजी, बायोस आया नीचे, बायोप्सी, बायो का मतलब क्या है, बायोप्स का मतलब क्या है, लाइफ होता है, जीवन होता है, ये एनिम का सिनोनिम है, ये एनिम का सिनोनिम है, ये बच्चा किसका, एनिम, बायस एनिम, ये आगे पढ़ोगे आप, एनिम, एनिम का मतलब क्या है मेरे लाल, एनिम का मतलब होता है लाइफ, ये दोनों लाइफ ही है, एनिमेट इनएनिमेट है ना, एनिमल, ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखना। चलें आगे बढ़े, क्लियर है बाबू, बिल्कुल सब ओके है मामला, चलते हैं आगे। ये लो 11वां, कहता ऑप्सिस ऑप्टिकोस, क्या मतलब है इसका, अपने आप से लिखना है, बिल्कुल अपने आप से लिखना है, जरा भी डिस्टर्ब नहीं महसूस करना, अल्गोस अल्गोस ऑप्सिस ऑप्टिकोस, जिसका ऑप्टोसी बनता है, क्या हो जाता है ये, ऑटोप्सी बनता है, और ऑप्टिकल, दोनों वर्ड्स बनते हैं ऑप्टोस और ऑप्टिकोस से,
क्या है इसका मतलब, 11 का मतलब क्या है, व्यू, साइट, विजन, ये सब क्या है, ये इसके मतलब है ऑप्टिकोस के, ये रूट वर्ड है। जल्दी से मिलाइए फटाफट अपना 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 मिलाइए, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं तुरंत बताना शुरू कर देता हूं। हाँ एक मिनट का समय दूंगा मैं, मिलाइए खटाखट अपने अपने मिलाइए, वहां कमेंट वमेंट देखने मौका नहीं है मेरे पास। मैटर ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी लेनी है आपको, मुझे ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करनी है, समय नहीं है ना मेरे पास वेस्ट करने को ना आपके पास वेस्ट करने को। अल्गोस जैसे कि न्यूरोलॉजिया है तो अल्गोस इसमें देखिए ये मिला हुआ ए एल जी आ रहा ना, यही है अल्गोस। अल्गोस क्या मतलब है, 12 का, यस अल्गोस माने पेन होता है, दर्द होता है, और इसका अगोगोस का मतलब आगे ले जाना होता है, लीड करना होता है, समझ गए बात को। ये पेडिस है, पेडिस का मतलब फुट होता है, पैर होता है, पैडोस का मतलब चाइल्ड होता है, वो पेड अलग है, ये पेड अलग है, ये पेडिस है, वो पैडोस है, आपको याद होगा, ये आ गया नीचे ना, पेड पैडोस, ये पेडिटिशियन जैसे पेडियट्रिशियन और पेडेस्ट्रियन, सब लेसन नंबर 2-3 में आपने पढ़े थे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। 15 क्लियर हो गया 15, चलो अगला। डेमोस है, ऑकुलस है, लैट्रिया है, याट्रिया है ये, याट्रिया, और मेट्रोन है, और जरास है, फटाफट मिलाइए, एक मिनट में मिलाइए, मैं तुरंत मिलवाता हूं बढ़िया तरीके से। ये नहीं पढ़ा तो एग्जाम निकलना तो दूर, आपका अंग्रेजी का जीवन ही कठिन हो जाएगा। कई बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े और कई बच्चों से मैंने बात की फोन पर, मैं बात करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप आपसे 2 मिनट बात कर लेता हूं, आपके भाव जान करके कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तैयारी के दौरान, मुझे बहुत आनंद मिलता है और मैं और प्रेरित होता हूं कि और कुछ कर डालूं आपके लिए। तो आप कहते हैं सर ये किताब तो मेरे पास पहले से थी लेकिन मैं इसको समझ नहीं पाता था कि कैसे पढ़ूं, आखिर कहां से वोकैबुलरी बिल्डअप होगी, कैसे होगी, ऐसे होती है ना वोकैबुलरी बिल्डअप। तो सर आपने ये काम शुरू करके ये समझाने का, इसको पढ़ाने का बहुत अच्छा आइडिया था आपका, तो मैंने कहा ये तो बेस है, अगर इसको नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं ऊपर ऊपर तैरता रहूंगा, जड़ तो मेरी नीचे से कटी हुई है, जब जड़ ही नहीं है किसी वृक्ष की तो उसको तो सूखना ही सूखना है, तो ये है जड़ आपकी। चलें 16th का डेमोस का मतलब लोग, पीपल, ठीक है ना। 17 ऑकुलस का मतलब आई, आई आई का मतलब क्या है, आंख, मेडिकल हीलिंग है या क्रिया का मतलब। 18 मेडिकल हीलिंग, ट्रीटमेंट करना, कन्वल्सेंट होना, बीमारी से उबरना, ये है मतलब। मेट्रोन का मतलब जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट में होता है, मेट्रोन का मतलब मापना होता है, मेजरमेंट से रिलेटेड है, और जेरोस ओल्ड एज को कहते हैं। 4th लेसन याद करिए आप। सोमा, पैथोस, ऑडोंटोस, पास, पैडोस, ये अलग है, ये पोडोस है, ये पोडोस है, ये शिर है या शिरो है। जल्दी से 25 वर्ड्स आप क्या 100% करने वाले हैं, पहले मिलाइए इसको फटाफट, पहले इसको फर से मैच करिए, अपने मैच करिए, सारे मैच करिए। हाँ बिल्कुल, उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मैं देख नहीं रहा हूं आपके उत्तर, आप फटाफट काम करिए, कॉपी पे वहां यूं मिलाइए और फिर मैच करेंगे हम लास्ट में, हम स्कोर जानना चाहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा काम। और ये पूरा टेस्ट जब हो जाएगा तब स्कोर एक साथ लेंगे, बस समझ में आ गई। ये पहला सेगमेंट आपका 25 क्वेश्चन का कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल मैं शुरू करता हूं इनको बताना। 21 नंबर में क्या है, सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी, बिल्कुल ये शरीर हमारा। और पैथोस, पैथोस का मतलब डिजीज भी होता है, पैथोस का मतलब बहुत ही दुख भी होता है, डिजर्शन भी तो होता है, पैथोस का मतलब ग्लूमी होता है, तो ये सब सेंसेस हैं उसके, ये डिजीज होती है वैसे, जैसे ऑस्टियोपैथ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ऑडोंटोस है, ऑडोंटोस यहाँ जैसे एक्सटोनटिस, एक्सोडोंटिस्ट लिखा है, तो ये एक्सोडोंटिस्ट जो 23 नंबर है ये टूथ से रिलेटेड है ऑडोंटोस का मतलब। पास और पैडोस, ये 24 नंबर का मतलब है, पैडोस का मतलब फुट, इसका मतलब भी पैर होता है पेड के अलावा। और ये शिर, शीर या शिरो कहते हैं इसको, जैसे सिरोग्राफी या कायरोग्राफी कहते हैं कुछ लोग, सिरोग्राफी, शिरो का मतलब हैंड्स होता है, हाथ होते हैं हमारे लिम्स में से ऊपर के हिस्से वाले। अब अगले सेगमेंट में चलते हैं। तो पहला टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ, ये फर्स्ट सेगमेंट था टेस्ट का। दूसरे सेगमेंट में कहता है
कि आपको मीनिंग देनी है इन वर्ड्स की जिनका एग्जाम्पल यहां पर दिया है, जैसे ग्राफिन है, कलॉस है, पाइज है, कॉकस है, सेंसेक्स है, बिल्कुल इधर उधर हिलना डुलना नहीं है और कहीं देखना नहीं है, ताकना झांकना नहीं है। टेस्ट नंबर टू स्टार्ट्स। चलो बताओ फटाफट, ग्राफिन पहले अपना लिख लीजिए, पहले अपना नोट कर लीजिए इसको, हमारे सामने यही अभी नोट किए पहले से बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, मिला लीजिएगा अभी। ग्राफिन, ग्राफिन का मतलब क्या होता है? राइट करना, लिखना, टू राइट, टू राइट समथिंग। ब्यूटी होता है मतलब कैलॉस का, कैलॉस माने सुंदर, कैलीग्राफी, तो ये सी से भी लिखा जाता है और के आपने कई बार देखा होगा, सी लैटिन में, के लैटिन में होता है और वो ये कैलीग्राफी, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये बिल्कुल सही है। जैसे होता है ना क्लेप्टो होता है, जैसे क्लेप्टोमैनियाक होता है कि नहीं होता है, इसको हम पतला करें नालायक को, बहुत बोलता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ये क्लेप्टो, तो क्लेप्टो सुना ना, क्लेप्टो माने चोर होता है, तो क्लेप्टो इससे भी लिखा जाता है, क्लेप्टो, तो इन दोनों का मतलब चोर होता है, चोरी करना, आगे पढ़ोगे ये सब, ठीक है ना। कैलॉस और पाइज, पाइज का मतलब कैलीपिजियन जैसे होता है, हाँ, खूबसूरत पिजियन वाला, खूबसूरत पिजियन वाला, तो ये खूबसूरत पिजियन वाला पाइज का मतलब आप जानते हो क्या होता है, बटक होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। काकोस, काकोग्राफी, काकोस का मतलब बैड होता है, खराब होता है, मैल होता है, इसका दूसरा वर्ड मैल, एम ए एल, मैल, ये आगे पढ़ोगे आप, है ना। जब चीजें मैलिन हो जाती हैं, मैलाइन हो जाती हैं, तो वो गंदी हो जाती हैं, बैड हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती हैं। सेनेसेंट आपने पढ़ा था इसको, क्या होता है सेनेक्स का मतलब, सेनेक्स का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी से, बिल्कुल ओल्ड होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला, ये रहा टेस्ट नंबर दूसरा हिस्सा, इसका इसका दूसरा हिस्सा है, क्या नाटक है यार, ये मारपीट हो जाएगा, दो मिनट बच्चों के बीच में हमारे आओगे तो। चलो, उत्तर कौन परवाह करता तुम्हारे उत्तर के, तुम अपने पास लगाओ उसको, निशान लगाओ भाई, ना हो किताब हो तो आप उनको नोट करो, और टेस्ट पूरा का पूरा ईमानदारी से देना है, इस समझ लेना, हम मांग लेंगे तुमसे स्क्रीनशॉट, तो समझ लेना। अब हमारे पास फोटो बहुत इकट्ठा हो जाएगा, तू भेजने लगते हो फटफट फटफट, हम जानते हैं ना। चलो, लग गया निशान। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब एंथ्रोपोलॉजी में जैसे कि मानव होता है, जहां मैन और वुमेन दोनों होते हैं, दोनों एंडर और गाइन में तब्दील होते हैं, फिर गैम के द्वारा जुड़ते हैं और पेड रिजल्ट में निकलता है, ये कई बार आपको बता चुका हूं। एस्ट्रोन, एस्ट्रोन स्टार होते हैं, एस्ट्रोन का मतलब क्या होता है, सेवन में स्टार होता है, और ये नॉट्स, नॉट्स का मतलब सेलर होता है, जो कहीं भी सेल करे, चाहे ऊपर ऊपर सेल करे, चाहे नौका लेकर के पानी में सेल करे, सेल करे, बस सेलर होता है वो, कौन, नॉट्स, जहां भी नॉट्स लगा होगा, एस्ट्रोनॉट, तो एस्टर माने स्टार, तो नॉट माने सेल करना, स्टार में सेल करने वाला। जी और ई मिलाकर जियो, ये रूट वर्ड है लैटिन का जियो, जो जियोलॉजी में बनता है, जियोलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी अलग है, जियोलॉजी है वो, जूलॉजी है, ठीक है ना, वो जू से बना है, ये जियो से बना है, ऑलजी दोनों में लगा हुआ है, तो जियोलॉजी आप जानते हैं, जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी से रिलेटेड होता है, पृथ्वी होता है, अर्थ होता है। वीएन, डब्ल्यू आई ओ एन, अगर याद नहीं है, गलत हो जाए तो हो जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसको नकल नहीं करोगे, तो वियोन का मतलब आप जानते हो क्या होता है, वियोन का मतलब एनिमल होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनिमल होता है वियोन का मतलब, सॉरी, हाँ, वियोन का मतलब, वियोन का मतलब एनिमल होता है, जानवर होता है जिसमें जान हो, और लिंगुआ का मतलब टंग होती है, हमारी जुबान होती है, ठीक है ना। सारे मिल गए आपको, मैच हो गए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर, सही तो था, 11 12, हाँ। फिलीन आ गया, फिर से आ गया, फिलीन फिर से आ गया, तुम फिर से लिखो भाई, वो टेस्ट ले रहा है आपका, टेस्ट में सरल क्वेश्चन आ गया, लगा दिए कट दे, सही हो गया, नंबर हमारा मिल गया हमको। वो कहता है बिब्लियन का बात बताओ, बिब्लियन का है, बिब्लियन माने बुक होती है, बता दिया खट से, बैठ गए वहां पर लेकर के, हमारा सही हो गया काम खत्म, हमने स्कोर किया ना भाई, मेहनत किया, हमको पता है, तो स्कोर हो गया हमारा अच्छा। ऑटस, ऑटस लगाइए फटाफट निशान पहले, ऑटस, ऑटस का मतलब ऑटोनोमस, ऑटोन मतलब स्वयं, अपने ही द्वारा सब कुछ हो जाए, है ना। 14 नंबर, ऑटस का मतलब सेल्फ, ईगो,
सॉसियस, सॉसियस क्या है, सॉसियस का मतलब शोषण, समाज, समाज होता है, लोग होता है, सॉसियस का मतलब क्या होता है? हाँ इस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ में जो रहे साथी होता है। और नॉटस का मतलब क्या होता है? नॉटस, 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 हाँ नॉटस का मतलब नोन होता है, जो जानते हैं आप, नोटोरियस, नॉटस। बढ़ा दें इसको, हाँ क्लियर। चलो समस, 25 क्वेश्चन का है ये भी टेस्ट। समस, समस का क्या है, समस क्या क्या है जिससे कंजुमेट बनता है, समस है क्या, बोलो जल्दी से, समस क्या है? हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा समेट बनता है ना, एक्यूम बनता है, एक्मे बनता है समस से ही। और वेटस से क्या है, वेटरेट होता है, तो इसका इसका वर्ड क्या होता है, ओल्ड, वेटस माने ओल्ड, बड़ा, यंग का अपोजिट। और जेनेसिस, जेनेसिस जेनरेट करता है, जेनेसिस शुरुआत करता है, जेनेसिस जैसे कॉन्जिनिटल में आपने पढ़ा था, तो कॉन्जिनिटल क्या है, शुरुआत, जेनेसिस, स्टार्टिंग। क्रोनस टाइम से रिलेटेड होता है, मिलावट से, टाइम से रिलेटेड होता है। और पैथोस डिजीज से रिलेटेड होता है, जैसे कि एम्पैथी होती है, भावना भी होता है इसका मतलब, पहले बता चुका हूं मैं, सेंस होता है इसका मतलब, डिजीज भी होती है इसका मतलब, मुसीबत भी होती है इसका मतलब, प्रॉब्लम भी होता है, डिफिकल्टी भी होता है इसका मतलब, सेंस कैसे यूज किया गया, दैट मैटर्स ओनली। क्लियर, ये सारे। अब जरा ये पांच के बाद हम लोग रिव्यू करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 50 में। ग्रेक्स है, ग्रेसिस है, आपको बिल्कुल नकल नहीं करना है मेरे बच्चा, अगर नकल किए तो सोच लेना फिर, आपको ग्रेक्स और ग्रेसिक्स का बताना है। ग्रेसिस एग्रेजियस जिसका मतलब होता है, कैसे रहते हैं ऐसे लोग जो एग्रेजियस होते हैं, एग्रेजियस जो होते हैं वो फ्लॉक में रहते हैं, फॉक में रहते हैं, फॉक कह सकते हैं इसको, फ्लॉक या फॉक कह सकते हैं, हर्ड में रहते हैं, जो झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं। और साइंस का मतलब जानना होता है, जो नो है वो साइंस है, जानना होता है, हमें जानना है, इसलिए साइंस का यूज करेंगे, सिस्टमैटिकली यूज करेंगे हम साइंस। तो ये साइंस का मतलब ही नो होता है, इसी से साइंस बनता है, किसी के बारे में सिस्टमैटिकली जानकारी लेना, अध्ययन करना, उसे हम साइंस कहते हैं। सी जो लगता है और एस लग गया साइंस, ये रूट वर्ड है साइंस का, इसका मतलब जानना होता है। जैसे प्रिसिएंट, प्रिसिएंट का मतलब जो पूर्व ज्ञान रखता हो, पहले से ही जानता हो। ओमनिस है यहाँ, ओमनिस, अबोमन का मतलब क्या होता है, 24, ओमनिस का मतलब ऑल होता है, सब कुछ, जितने भी ओमनी जहां लगा, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस, ओमनी, जितना भी ओमनी लग गया, ओमनीवोरस, तो ये ओमनी का मतलब ऑल हो गया। और नॉमस है लास्ट वर्ड, दूसरे टेस्ट का लास्ट वर्ड है नॉमस, जिसने हमारे पास वर्ड है मेट्रोनॉम, और नॉमस का मतलब होता है क्रम, जॉ, लॉ, अरेंजमेंट, कानून, नियम, रूल, वह सिद्धांत जिस पर आप काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? हम देख रहे हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं, और कोई बात थोड़ी है। अब थोड़ा सा कमेंट देख ले तुम्हारे, हम रे बाप रे बाप, सब उत्तर तो दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा 58 लोगों को फुर्सत मिली, ये 200 लोगों का बैच है, धन्य हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी का, 200 लोग एडमिशन और 60 लोग लाइव, इतना भी, खैर जानते हैं ज्यादातर लोग मास्टर हो, हम भी मास्टर हैं और हमको भी स्कूल जाना रहता है, लेकिन सुबह पढ़ा के जाता हूं ना मैं, तुम नहीं मैनेज कर पाते हो ऐसे। अच्छा तुम्हारा 8 बजे का होगा, हाँ हाँ हाँ, प्राइवेट है, पढ़ाओ तू ही, अभी काहे नहीं विश्वानी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, 6 महीना दे दो अपने आप को, जिंदगी दिए हो सब इंटर कॉलेजेस को प्राइवेट मास्टरों, मास्टर की तरह एक बार 6 महीने खुद को दे दो, छोड़ दो नौकरी नहीं, खाना अगर चलता है, खाना अगर केवल चलता है नौकरी से, छोड़ दो उसको, खाने की व्यवस्था कर लो, खाली 2 ट्यूशन पकड़ लो और एक बार लग जाओ, यही जो तीनों आ रही इन्हें में फाड़ के रख दो बिल्कुल एकदम, दिखा दो तुम्हारे अंदर आग कितनी भरी है। और या तो मस्त है जिंदगी, अगर 10-15 हजार में काम चल रहा है तो मस्त रहो, जियो उसी तरह से, नहीं तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। मैंने किया है ना, मैंने भी किया है, हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं किए थे तपस्या, ये तो जान लो तुम अच्छे से, हमको तो ऐसे मिल गई रास्ते में चलते चलते,
हमारी सैलरी सरकारी सैलरी से 2 गुना थी, तुम जानते हो हम अनअकैडमी में थे उस समय, उससे पहले एग्जामपुर में थे, दोनों का नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मोटी सैलरी वसूलते थे इनसे हम, ठीक है ना, ये तुम जानते हो, हम स्थापित हो चुके थे, अपने आप को स्थापित कर चुके थे प्राइवेट सेक्टर में जब नौकरी मिली है मुझे, और उसको मैं बहुत जान लगा के मन लगा के करता हूँ क्योंकि वो मुझे समाज में स्थापित करती है, मेरी पहचान बनाती है। ऐसे पूछते थे गाँव वाले कितनी सैलरी, 90,000-80,000, उनसे कौनो मतलब ना, झूठ बोला फेकत है बिल्कुल, खाना खर्चा नहीं चलाते, घर से ले जाते हैं पैसा, जो हमसे पूछो भाई से पैसा लेते हैं, ऐसे कहता था लोग, उसको नहीं पता कि हमारे रहन सहन में साल 20,000 खर्चा होता है खाली खाने पीने में, उसको नहीं पता ये बात, गाँव में रहते हैं। अच्छा सरकारी फिकवा, अरे यहाँ भेथरा माधव में है तो 20 किलोमीटर, अरे यार उसके स्कूल गए थे भाई, वो महमूदाबाद में स्टूडियो बनवा रखा, ऑनलाइन हो पढ़ा हुआ, तो अब ऑनलाइन का भी महत्व उनकी जिंदगी में हो गया, 2-3 लाख बोर्ड लगवाए से वहां पूरा सिस्टम बनाए, सरकारी मास्टर हो गया ना, अब तेरे की सरकारी हो गया ये मायने रखता है। तुमको यही करना है, तुमको अपने आप को स्थापित करना है, करना है, करना है, बस दिखाना तो पड़ेगा, मुझे भी दिखाओ। अच्छा बहुत बोलते थे हम भी लो सरकारी मास्टर हो गए, तो ये है 22 बनाया हूं इस बार, और इस बार 220 का लक्ष्य है, 220 मास्टर मुझे पोस्टिंग करवानी है यूपी भर में पूरे, जितने आ जाएंगे सबको, अभी सोचिए 200 बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, ये 200 कैसे तैयार कर रहा हूं मैं, ये सब बिल्कुल नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर रजिस्टर बने हुए हैं सबके, मैं पर्सनली जानता हूं, मुझे फोटो भेजते हैं नोट्स के, सर ये देखिए मैंने ऐसे बनाया ऐसे बनाया, बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे लगता है मैं एक क्लास में जाता हूँ रोज पढ़ाने के लिए जहाँ 200 बच्चा बैठा है और उनको यूं आमने सामने पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन का आनंद आता है मुझे आपके साथ जब मैं आता हूँ, ठीक है ना, और ऐसे ही जुड़ के रहना, बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ते रहना हमको, और जब तक मिल नहीं जाता लक्ष्य छोड़ देंगे पीछा हम तुम्हारा, जाओ अपने आयस करो जाके, बच्चे संभालो, बीवी संभालो, बीवी को नौकरी दो और नौकरी पैसा आधा बीवी को दो आधा तुम लो, उसने भी तो संघर्ष किया तुम्हारे साथ बराबर, और जो बीवियां हैं वो हस्बैंड को आधी सैलरी दें, वो भी तो सहयोग करते हैं आपका। चलिए ये सारे मैं बता चुका हूं, अब आपके टेस्ट के रिजल्ट की बारी है, लेकिन और अभी टेस्ट बाकी है, आगे छोटा सेगमेंट रखेंगे, अभी मुझे शाम की क्लास आपकी 9 बजे वाली वोकैबुलरी चैलेंज शूट करनी है, और इसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, इसलिए मैं अभी क्लास को रोकूंगा, और ये 40 मिनट की क्लास होगी ज्यादा से ज्यादा सुबह, और उतने में ही इतना कुछ ले लो कि बिल्कुल दिन भर वो चले, इतने वर्ड्स आगे का टेस्ट कल शुरू करूंगा मैं, अभी वोकैबुलरी चैलेंज देना है आपको, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हैं गांव में, तो दिखा दो उनको गांव वालों को ये हूं मैं वहां पोस्टिंग है मेरी, आओ बैठो मोटरसाइकिल, चलो तुमको खिला के लाते हैं बर्फी 400 रुपया किलो वाली, ऐसे बोलना जाके खिला के लाना उनको, ठीक है, ये बात तो कुछ तो खोना पड़ेगा, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। अब घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी, ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस, अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। घर बैठे इंग्लिश टीजीटी क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए यूपी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी, ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस, अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर।